तो नमस्ते दोस्तों, आज बहुत दिन बाद मैं फिर से यामाहा के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूँ, यामाहा PSR i400 के ऊपर। तो आज हम देख लीजिए, टोन देख लिए, हारमोनियम टोन, इसको आज मॉडिफाई करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, कॉर्गोलैंड टाइप। तो देखिए जितना होता है उतना हम लोग करते हैं। पहले सुन लीजिए, पहले ये कैसा टोन है। बनने से पहले और बनने के बाद सुनिए दोस्तों। दोस्तों चलिए इसके पैरामीटर के ऊपर चलते हैं हम लोग। देख लीजिए डिस्प्ले पे हारमोनियम 2 जो 002 नंबर पे है टोन। अब हमको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ से प्रेस करना है, ये फंक्शन हो गया, फंक्शन प्रेस करना है। उसके बाद इससे हमको कैटेगरी से प्लस और माइनस करना है, ठीक है। तो इसे प्लस करते हैं तो सॉन्ग वॉल्यूम आया, खरीदा जाया, ट्रांसफर जाया, ट्रांसफर 00 रखना है, ट्यूनिंग आया, ट्यूनिंग 440 रखना है, PBRN 02 रखना है, स्प्लिट टोन 54 रखना है, 054 टच सेंस आपको रखना है, वहीं सॉफ्ट वन, एम वॉल्यूम 127, एम ऑक्टिव 0, एम पानसी, एम रिवर्ब 071, एम कोरस 000, एम अटैक 064, एम रिलीज 064, एम कट ऑफ 097, एम रेजो 087। डी वॉइस में आपको रखनी है वही हारमोनियम 2, इसका डी वॉल्यूम है 100, 1 ऑक्टिव माइनस 1, डी पानसी, डी रिवर्ब 064, डी कोरस 000, डी एक्टिव 064, डी रिलीज 064, डी कट ऑफ 064, डी रेजो 064। एस वॉइस में आपको वहीं रखनी है ग्रैंड पियानो 031 पर, एस वॉल्यूम 100, एस एक्टिव 1, एस पानसी, एस रिवर्ब 14, एस कोरस 000। बस यहीं तक आपका प्रोसेस है, उसके बाद आप नहीं कुछ छेड़छाड़ करना है। और डिस्प्ले में देखिए स्प्लिट ऑन रखनी है, डुअल ऑन रखनी है, टच ऑन रखनी है और एक एम्प ऑन रखी है। देखिए स्प्लिट बटन हमारा ये रहा, डुअल ये रहा, टच तक हम लोग ऑन कर ही चुके हैं फंक्शन में, और एक एम्प ये वाला हमको दाब प्रेस करके ऑन रखनी है। चलिए एक बार कोडिंग इसका सुन लेते हैं कैसा है, देख लीजिए बहुत प्यारी कोडिंग है और हर टोन भी हमारी बहुत अच्छा है। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको टोन अच्छा लगी हो, ऐसे में यामाहा PSR के ऊपर वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। और नहीं समझे तो एक बार और जाकर वीडियो में अच्छा से स्किप करके देख लीजिए, पीछे करके अच्छा से समझ जाओगे क्या प्रोसेस है। इसी प्रोसेस से टोन बनती है दोस्तों, ठीक है, इसी प्रोसेस से टोन बनती है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, चलिए बाय।